हेलो फ्रेंड्स, तो क्या टेलीग्राम इंडिया में बैन होने वाला है? ये जो न्यूज़ सुन रहे हो आप, सही है या फिर गलत? पूरी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। तो सबसे पहले मैं बता दूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है टेलीग्राम के CEO है पावेल द्रो, उसको यहाँ पे है फ्रांस की राजधानी पेरिस के एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। किस जुर्म में गिरफ्तार किया फ्रेंड्स? उन पर फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लैक मनी का आरोप है। साथ ही यहाँ पे जो टेलीग्राम की प्राइवेसी पॉलिसी है और साथ में उसकी मॉडरेशन प्रक्रिया है, उसके आरोप में उसको गिरफ्तार किया गया है। तो फ्रेंड्स, क्या इंडिया में बैन होने वाले हैं टेलीग्राम, या आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ, या फिर किन किन कंट्री में बैन होने वाला है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ महीनों से यहाँ पे टेलीग्राम से कुछ मतलब यहाँ पे नोटिफिकेशंस आ रही है कि यहाँ पे पेपर्स वगैरह लीक होते हैं, जो भी नई नई मूवीज आती है वो टेलीग्राम पे शो कराई जाती है, और बहुत सारी थर्ड पार्टी ऐप भी यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे है टेलीग्राम इतना मॉडरेशन प्रक्रिया की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारी इंडिया की जो सरकार है इसकी जांच कर रही है। यदि जांच में कोई भी गलती पाई जाती है, एक भी गलती पाई जाती है, तो यहाँ पे टेलीग्राम में पूर्ण रूप से इंडिया में बैन कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी तक जांच पड़ताल चल रही है। हो सकता है फ्रेंड्स कुछ कंट्री में ही टेलीग्राम बैन हो, या फिर हो ही ना। यदि जो है जांच की जा रही है वो सही मिले, तो यहाँ पे है शायद इंडिया में टेलीग्राम में बैन नहीं होगा। अगर कुछ एक कंट्री में होता है तो सभी कंट्री में ही होगा, मतलब यानी एक कंट्री में हो जाता है तो बाकी देशों पर भी उनका प्रभाव पड़ेगा, धीरे धीरे सभी कंट्री में बैन हो जाएंगे। क्या पता सभी कंट्री मिलकर फैसला ले लें कि टेलीग्राम को यहाँ पे पूर्ण रूप से बैन कर दिया जाए। तो ऐसे में फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बड़े बड़े क्रिएटर्स है, बड़े बड़े टेलीग्राम यूजर्स है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरी खबर है। तो उनको क्या करना है फ्रेंड्स? सबसे पहले तो इनका सोल्यूशन मैं बता देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जितने जिसके भी यहाँ पे ज़्यादा फॉलोअर्स है या ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आपको मैसेज छोड़ देना है, कोई पोस्ट छोड़ देनी है बना के, कि जितने भी मेरे यूजर्स हैं वो यहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप में आ जाए। यानी आपको एक व्हाट्सअप चैनल से या ग्रुप बना लेना है। वैसे ग्रुप तो मत बनाना, चैनल्स ही बना लेना, ठीक है, चैनल्स बेटर रहेगा। तो आप व्हाट्सअप पर एक चैनल्स बना लेना, चैनल्स बनाना बिल्कुल ही ईजी है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा, या आप अदर यूट्यूबर्स की वीडियो से भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे चैनल्स बनाना बिल्कुल ईजी है, व्हाट्सअप से चैनल बना लेना, वहाँ पे अपने जो क्रिएटर्स फॉलोअर्स है वहाँ पे उनको प्रोवाइडेड करवा लेना। ठीक है, उन वहाँ पे आपको लिंक शेयर कर देना है। तो अभी तक कोई कन्फर्मेशन न्यूज़ नहीं आई है कि यहाँ पे इंडिया में टेलीग्राम बैन होगा, लेकिन यहाँ पे गिरफ्तार किया है भाई, यहाँ पे बहुत सारे हैं केसेस सामने आए हैं, तो इसलिए टेलीग्राम बैन हो सकता है। तो ये न्यूज़ है बहुत ज़्यादा फैल रही है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट से यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑफिशियल ट्वीट या फिर ऐसी कोई पोस्ट नहीं है कि यहाँ पे है कन्फर्म कर दिया गया कि टेलीग्राम को बैन होगा। तो फ्रेंड्स, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्या पता हो भी जाए और क्या पता ना भी हो। होगा तो फ्रेंड्स सभी कंट्री में ही बैन होगा, और वरना किसी भी कंट्री में बैन नहीं होगा। तो फिलहाल यहाँ पे है जांच चल रही है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है टेलीग्राम पे जितने भी फ्रॉड रहे हैं वो उनके सभी जो है पावेल द्रो पे ही इल्जाम लगे हैं, उन्हीं पर आरोप लगा है। जितने भी पेपर्स लीक हो रहे हैं, सबसे पहले जो मूवीज नहीं आती है, मूवीज लोग भेज भेज कर यहाँ पे पैसा कमा रहे थे। बहुत सारी एप्लीकेशन भी थी जिनको हैक या मोड बना के यहाँ पे टेलीग्राम पे प्रोवाइडेड किया जाता है, उसके थ्रू पैसे कमाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मॉडरेशन प्रक्रिया है, उसकी मॉडर्न प्रोसेस है, उनकी तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा, इस आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स उनको फ्रांस में गिरफ्तार किया गया है, अभी तक तो उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। जैसी आपको आगे न्यूज़ मिलती है इसके थ्रू, तो मैं आपको प्रोवाइडेड करा दूंगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पे बैन होने के 90% चांसेस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बैन होता है या नहीं आपको मैं बहुत ही जल्दी है पता करके बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपके भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर या फिर फॉलोअर्स हैं टेलीग्राम पे, तो आप अपने फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स को व्हाट्सएप के चैनल्स पर इनवाइटेड कर ले टाइम टाइम से। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कोई न्यूज़ नहीं आई है फ्रेंड्स, कन्फर्मेशन न्यूज़ नहीं आई है कि यहाँ पे इंडिया में टेलीग्राम बैन होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि टेलीग्राम बैन हो जाए, क्योंकि ये प्राइवेसी पॉलिसीज़ के विरुद्ध चल रहे थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर लेना, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बेल आइकन को भी दबा लेना। मिलेंगे नई वीडियो के साथ फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।